ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्या है ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर एक ठीक है शिखर सम्मेलन एक समिट ये 12 से 14 दिसंबर को इंडिया में आयोजित होने जा रही है यानी दिल्ली में जरा देखिए ठीक है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर समिट होने जा रही है और जिसका नाम है ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट याद रखिएगा तो ग्लोबल पार्टनरशिप क्या है सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी विश्व के विभिन्न देश एक साथ आए हैं और उन्होंने मिलकर एक फोरम बनाया जिसका नाम है ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जिसका टारगेट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कैसे हम बहुत एथिकली एक अच्छी ड्यूटी के साथ इसको हम यूज कर पाए यानी नैतिकता के साथ और इसका बेहतर यूज कर पाए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो आइए जरा पहले संगठन के बारे में पढ़ते हैं फिर और मजा आएगा ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तब इसके बाद हम लोग आगे चलेंगे मजा आएगा प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट कांसेप्ट 2024 के बच्चे ध्यान से देखेंगे 25 वाले भी क्योंकि ऐसी चीजें जो भी खत्म होती नहीं तो 24 वाले इस पर थोड़ा फोकस करेंगे ये क्या है मेरे प्यारे बच्चों इंटरनेशनल इनिशिएटिव है या एक अंतरराष्ट्रीय पहल है जिसका नाम है ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसका उद्देश्य क्या है कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस व्यवस्था में यूज करें कहां एजुकेशन में हेल्थ में इसके साथ साथ इस सिस्टम इस व्यवस्था के सभी क्षेत्रों में तो हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सिस्टम में यूज करें बट किस चीज को ध्यान रखते हुए मानव अधिकारों और लोकतांत्रिक मूल्यों को यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किसी प्रकार से ह्यूमन राइट्स उसके साथ साथ जो भी डेमोक्रेटिक वैल्यूज हैं उनको नुकसान ना करे यानी इसके नुकसान से बचते हुए नैतिक रूप से इसका उपयोग करना इसीलिए यह इंटेलिजेंस बनाया गया है याद रखें इस फोरम को किसने बनाया बच्चे 2018 में G7 जो समिट हो रही थी उसी के दौरान कनाडा और फ्रांस ने प्रीलिम्स के लिए याद रखिएगा कनाडा और फ्रांस ने क्या कहा कि भाई एक ऐसे फोरम की स्थापना होनी चाहिए उन्होंने इसका नाम प्रस्तावित किया तो प्रीलिम्स में किसने इनका नाम प्रपोज किया तो आप देख सकते हैं यहां पर लिखा हुआ कनाडा और फ्रांस ने और जून 2020 में यह एस्टेब्लिश किया गया हमारे सामने लाया तो प्रीलिम्स के लिए याद रखिए अब इसके बाद कुछ और बातें आती हैं अब आता है इसकी होस्टिंग कौन करता है इंडिया कैसे कर रहा है ये भी आपके मन होगा तो इसकी होस्टिंग करता है OECD जो आपको अच्छे से पता है विकसित देशों का एक संगठन है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट OECD के बारे में आप गूगल करके और भी पढ़ सकते हैं तो क्या इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट जो ऑर्गेनाइजेशन है ऑब्वियसली इसकी मेजबानी वही करता है और इसका जो पूरा लक्ष्य है इस मिशन का तो मैंने आपको पहले बताया ब्रिज यानी एक पुल का काम करना है किसके किसके बीच में वो करना है भाई आर्टिफिशियल कॉन्सेप्ट और इसका प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो भी इसका सिद्धांत है उस सिद्धांत को हम व्यवस्था में बहुत अच्छे ढंग से लागू करें जिससे ये मानव अधिकारों और लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ अलाइन रहे इसलिए इस फोरम को बनाया गया है याद रखिएगा ठीक है ना ये जितने भी पॉलिसी मेकर संपूर्ण विश्व में जो भी इसके मेंबर हैं उनकी बात कर रहा हूं उनको सलाह देता है कि भाई आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर कैसे रिसर्च करना चाहिए कैसे इस पर और अच्छे से आपको काम करना चाहिए तो अब मैं एक चीज बता दूं भले ही मैं प्रीलिम्स के लिए बार-बार कह रहा हूं लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर कोई भी प्रश्न आता है तो ऑब्वियसली आपको इन फोरम्स को लिखना ही पड़ेगा ध्यान रखिएगा ठीक है बाकी सारी चीजें यहां पर लिखी है इसका लोकेशन कहां-कहां पर ये भी इंपॉर्टेंट है एक बार इसको भी आप देख लीजिएगा पेरिस में भी है फ्रांस में भी है मॉन्ट्रियल कनाडा में है याद रखिएगा ठीक है ना और पर्पस को मैंने आपको बताया लिखा एक बार फिर पढ़ लीजिएगा अब आता है भारत इसके फाउंडिंग मेंबर्स यानी संस्थापक सदस्यों में से प्रीलिम्स के लिए ये भी फैक्ट अच्छा हो गया अब इसके 15 फाउंडिंग मेंबर है यानी 15 देश इसके स्थापना के समय इसके साथ खड़े थे इन सब के नाम प्लीज प्रीलिम्स के लिए पढ़ लीजिएगा मुझे बताने की जरूरत नहीं क्लियर हो गया अब इसके बाद आता है कि इसकी जो प्रेसिडेंसी होती है इसकी GPAI की यानी इस फोरम की प्रेसिडेंसी अध्यक्ष इसकी अध्यक्षता कैसे मिलती है भारत में इसका आयोजन क्यों हो रहा है उसका कुछ बेस होगा तो ऑब्वियस है जो इसकी प्रेसिडेंसी है मेरे प्यारे बच्चों रोटेटिंग मॉडल पर यानी एक वर्ष आपको अगले वर्ष किसी और को यानी जो भी मेंबर इसके तो आप देख सकते हैं 2020 में कनाडा के पास थी रोटेटिंग यानी उसके बाद अगला फिर फ्रांस के पास थी फिर उसके बाद जापान के पास थी 22 में और 23 में हिंदुस्तान के पास है इसलिए हिंदुस्तान में इसका यानी इसकी समिट होने जा रही आई होप यू पॉइंट आप समझ गए तो GPAI में जितने भी देश हैं जरा देखिए ये सब डेवलप्ड देश हैं कि नहीं मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूं तब मैं आऊंगा आप आपको लेकर एक बार इनका नाम आइए यानी ऑस्ट्रेलिया कनाडा फ्रांस जर्मनी इटली जापान मैक्सिको न्यूजीलैंड रिपब्लिक ऑफ कोरिया सिंगापुर स्लोवेनिया यूके यूएस यूरोपियन यूनियन आप देख सकते हैं और इसका नेतृत्व तो भारत कर रहा है याद रखिएगा अब आता है कि ये भाई क्या कहता है भारत में समिट हो रही है क्या करेगी तो आप कहेंगे ये जितने भी यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े हुए जितने भी उद्योग हैं ऑब्वियस इनफैक्ट सभी उद्योग सभी जगह इस्तेमाल होगा उनको इसके साथ साथ जो सिविल सोसाइटी है नागरिक समाज है जो विभिन्न देशों की सरकारें हैं जो शिक्षा जगत के एजुकेशन सेक्टर के विशेषज्ञ उन सबको इस मंच पर लाता है और लाने के बाद स्वाभाविक ये सभी विशेषज्ञ लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की क्वालिटी और उसके कंसर्न यानी चैलेंजेस पर उसकी भाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या क्या कर सकता है इस पर चर्चा करते हैं प्लस उसके साथ जुड़ी हुई चुनौतियां क्या एक मंच है जिस पर वो सब इन विषयों पर चर्चा करते हैं फिर चर्चा के बाद ही एक नई राह मिलती है आपको पता है आई थिंक आप ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बहुत अच्छे से समझ गए ठीक है बताते चलिए बोलते चलिए तभी आएगा मजा ये हो गया हाँ कहीं सर न्यूज ये होगी कि 12 से 14 दिसंबर के बीच में इंडिया में होगा नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा ठीक है और ये दुनिया का पहला वैश्विक शिखर सम्मेलन होगा प्रेसिडेंसी तो थी सबके पास लेकिन ऑब्वियस है पहला ग्लोबल लेवल पर उसका आयोजन हिंदुस्तान में हो रहा है अब यही से हम आते हैं क्या क्या चीजें हम कर सकते हैं जैसे आपसे यूपीएससी ने ये ऐसे पूछा क्या पूछा देखिएगा व्हाई शुड बी प्राउड टू बी एन इंडियन हमें भारतीय होने पर गर्व क्यों होना चाहिए आपके सामने आगे क्या हो गया हमें भारतीय होने पर गर्व क्यों होना चाहिए तो आप देख सकते हैं यानी अब हम कहां पर पहुंच गए ग्लोबल लीडर के रूप में हम आगे बढ़ रहे हैं हमें इस बात पर प्राउड होना चाहिए जैसा कि आप देख सकते हैं लिखा हुआ है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर दुनिया का पहला इट इज द वर्ल्ड्स फर्स्ट ग्लोबल समिट ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो हमें भारत में एक निबंध मैंने यूज कर लिया हम आपको ये फैक्ट एकदम से याद हो गया ये वाला लिखा हुआ कि वर्ल्ड्स फर्स्ट ग्लोबल समिट ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आप कैसे मुस्कुरा रहे हैं हम कह रहे हैं मुस्कुरा रहे हैं उसके पीछे कुछ अगला रीजन और अगला रीजन है जीएस पेपर टू आईआर यानी जहां पर कोई नजर जैसे पता है जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कभी जहां पहुंचे रवि वहां पहुंचे कभी यानी जहां पर सूर्य भी नहीं पहुंच सकते बहुत ऐसे थाने सूर्य की रोशनी नहीं पहुंचती वहां पर भी कभी उसकी बातें कभी यानी पॉइंट उसकी बातें उसकी फीलिंग्स उसकी भावनाएं पहुंच जाती है तो वैसे ही जहां पहुंचे कोई वहां IQIP हमेशा पहुंचा हुआ है आईआर अभी आईआर में कैसे आया आपके सामने लेकर ऑब्वियस इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस एजेंसीज फोरम ठीक है ये हो गया इसी यूनिट के साथ सीधा सीधा कनेक्टेड है इसके अलावा ऑब्वियस एक ही ग्रुप भी है इसको हम एक ग्रुप भी कह सकते हैं तो आईआर के इस पार से कनेक्टेड है क्वेश्चन देखिएगा 2019 का एक प्रश्न जरा देखिएगा The long sustained image of India as a leader of the oppressed and marginalized nations has disappeared on account of its newfound role in the emerging global order. भैया ये जो उभरती हुई नई विश्व व्यवस्था है 2021 की अभी जो चल रही है भारत को एक नई भूमिका मिल गई है नई भूमिका न्यू रोल इसीलिए अब वह केवल उत्पीड़ित एवं उपेक्षित राष्ट्रों का मुखिया ही नहीं
जैसे उत्पीड़ितों को पिछले राष्ट्रों के मुखिया का मतलब क्या होता है बच्चे, याद रखिएगा, यानी ऑप्रेस्ड एंड मार्जिनलाइज्ड नेशंस का मतलब क्या होता है भाई, वही जो कॉलोनियल रूल के अंतर्गत थे, यानी जहां पर अंग्रेजों ने या डचों ने या फ्रांस ने इन सब ने शासन किया था। तो हम सब साथ ही लगभग कुछ आगे पीछे आजाद हुए थे, तो अभी भारत ने एक नया यानी बुद्ध निरपेक्ष आंदोलन शुरू करके जो इस प्रकार के उपेक्षित उत्पीड़ित पिछड़े राष्ट्र थे उनकी आवाज को आगे बढ़ाया था ग्लोबल फोरम पर, वैश्विक मंचों पर। तो भारत आजादी के बाद ही करता चला, लेकिन 2019 में यूपीएससी को लगा कि यार आप चीजें बदल रहे, जो भी एग्जाम रहे हैं उनको लगा कि चीजें बदल रही और बदल क्यों रही, क्योंकि सरकार इस प्रकार से फॉरन मिनिस्ट्री इस प्रकार से इंडिया की इमेज को आगे बढ़ा रहा है, सिंपल सी बात। तो प्रश्न यहां पर बना गया, अब ये नहीं, अब भारत को नई भूमिका मिल गई, नव भूमिका, याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चे, इमर्जिंग ग्लोबल ऑर्डर। तो क्या हम देख नहीं सकते यही नई भूमिका का एग्जांपल है आर्टिफिशियल समिट, फर्स्ट वर्ल्ड की फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट का भारत में होना और उसके मेंबर्स में सारे डेवलप्ड कंट्रीज का होना, इस बात को प्रमाणित करता है कि भारत अब इस उभरती हुई वैश्विक व्यवस्था में, इस इमर्जिंग ग्लोबल ऑर्डर में एक नई भूमिका प्राप्त कर चुका है। कहिए एकदम से कनेक्ट हो गया कि नहीं हो गया, तो यही यूपीएससी आपको ऐसे ही घेरना, किताबों में नहीं है, किताबों में केवल प्रीलिम्स है, विश्वास करिए उसके बाद सब एनालिसिस में, मेंस का कोई भी सेगमेंट आप लीजिए जो हमारे देश में घटित हो उसी को पढ़िए, कहानी पलट जाएगी, ठीक है। इतिहास के लिए मेंस कुछ पढ़ने की जरूरत है, ये पढ़ने में पढ़ने भैया क्या पूछा, 5-6-7 क्वेश्चन आया एक पर्सनलिटी पे, यानी आप केवल एनसीईआरटी पढ़ने से सोचें अच्छा ऐसे हो जाएगा, अच्छा ऐसे हो जाएगा, बहुत इजी है बच्चे, इसलिए मैं ये बात आपसे कह रहा हूं, बहुत बहुत इजी, ठीक है। ये हो गया आपका, अब इसके बाद ऑब्वियसली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर 2019 में से आ गया, तो अब आपका जीएसटी साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जुड़ा साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एप्लीकेशन, ऑब्वियस साइंस एंड टेक्नोलॉजी का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है, उसी की एप्लीकेशन है, उसी के अनुप्रयोग को लेकर सबमिट होने जा रही, सिंपल सी बात है। फिर इसके बाद हम यहां से आगे बढ़े, तो आपके सामने ऐसे भी आ रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कितनी बुद्धि का होता है 2019 के बाद, अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं आया है, इसमें कहते हैं भाई क्या ये बेरोजगारी बढ़ाएगा, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ाएगा, या जो हमारे लोगों को अगर हम उनकी स्किल को थोड़ा बढ़ा दें, आप स्किल कर दें, या जो जिनकी स्किल बेकार हो चुकी है उनको रिस्किल कर दें, तो कैसे रोजगार है, यानी बेरोजगारी बढ़ाएगा रोजगार लगेगा। तो मेरा कहने का मतलब इस टाइप के क्वेश्चन अगर आप भी करें इसमें भी वो जो सबमिट होने जा रही है, क्योंकि ये जो सबमिट होने जा रही है अभी आपने पढ़ा ध्यान से समझिएगा, ये जो सबमिट होने जा रही है इसमें अभी आपने पढ़ा क्या लिखा, कौन कौन इसमें शामिल होंगे, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ी हुई इंडस्ट्री के लोग शामिल होंगे, फिर क्या बताया गया, यानी जो भी कौन, यानी जो भी सिविल सोसाइटी यानी नागरिक समाज के लोग, विद्वान, मंत्री, इस प्रकार के लोग, प्रधानमंत्री, फिर इसके बाद यानी यहां पर जितने भी लोग पार्टिसिपेट करेंगे सबका नाम मैंने बताया, तो वो लोग यहां पर जब मिलेंगे इस फोरम में दिल्ली में, तो वो क्या करेंगे, मैंने बताया भाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की क्या क्या संभावना है, यही तो बताया, इसमें क्या क्या अवसर है, तो अवसर में क्या इंप्लॉयमेंट की बात नहीं होगी, बट जब हम इंप्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी पर बात करेंगे इसी समिट में, तो इसी समिट में ये भी तो बात होगी मेरे प्यारे बच्चों कि भैया बेरोजगारी का खतरा भी मार सकता है, हमें कुछ काम करने की जरूरत, अपने लोगों की स्किल रिस्किल करने की जरूरत है, तो आप यहां पर भी उसको चूज करेंगे उस टॉपिक को, क्योंकि कृत्रिम बुद्धि में संभावनाएं भी है, पॉसिबिलिटीज भी है, चैलेंजेस भी है, उसकी पॉसिबिलिटीज और चैलेंजेस दोनों को कैसे मैक्सिमम कैपिटलाइज कर सके, अधिकतम उपयोग कर सके, इसके लिए यानी ये एक फोरम बनाया गया है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर उसी फोरम के अंतर्गत जिसकी प्रेसिडेंसी हिंदुस्तान के पास है, पहली ग्लोबल समिट इंडिया में होने जा रही है, और इस समिट में इन्हीं सब विषयों पर चर्चा की जाएगी। बताएं पिक्चर इस क्लियर बटे, एकदम 100% क्लियर है कि नहीं, यानी इस निबंध में भी और आगे भी, सिंपल सी बात है। मॉडल क्वेश्चन यहां मैंने कुछ नहीं बनाया, यूज डिस्क्रिप्शन में कुछ ऐसा था नहीं, अब ये 12 से 14 होगा, देन हम उसपे क्या क्या आउटकम आएंगे, तो हम उसपे नहीं घबराएंगे, 9, 10, 11, 12 से 14 के बीच में सब कराई दूंगा, यूज दिस फॉर क्वेश्चन रिलेटेड टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। तो बस मतलब कोई प्रश्न आता है तो यूज कीजिएगा, अभी प्रीलिम्स का प्रश्न है जिसके बारे में आप पढ़े, क्या प्रश्न है, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज करेक्ट। मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा, जो मुझे फॉलो कर रहे ना, आप बस केवल और केवल 100% विश्वास रखते हुए चलते रहेगा, मैं हमेशा कह रहा हूं आप पर्पस को भी फॉलो करें, सबको करें, लेकिन बच्चे पर्पस आपके लिए मेहनत करने नहीं आएंगे, इसलिए अपनी लाइफ में मैं यहां पर ये नहीं कर रहा हूं, पर्पस ऑब्वियसली हीरोज उनके बारे में मैं अगर कोई भी बात कहता हूं तो सूर्य को दिया दिखाने जैसा, वो मेरा लक्ष्य नहीं, मैं आपको सिखाना चाहता हूं, आपको वो लोग चाहिए जो आपके साथ मेहनत कर सके, चूंकि आपकी जिस स्कूलिंग से आप निकल के आ रहे हैं, सोचिएगा आप जिस बैकग्राउंड से निकल करके, आप सोचिएगा कि आपको किस प्रकार के लोग चाहिए, क्योंकि एक शॉट में कुछ ना होने वाला, एक बार फेल करेंगे, दो बार फेल करेंगे, तीन बार, चार बार, लेकिन पास होने के चांस हमेशा मौजूद है, जब तक आपके पास अटेम्प्ट है, इसलिए अपने साथ मेहनत करने वाले लोगों को ही आपको रखना है, तब जाकर लाइफ चेंज हो पाएगी, क्योंकि ध्यान देना दुनिया का सबसे आसान, ये कर लेना है, ये कर लेना है, ये कर लेना, कैसे करना है, चलो हमने बता दिया, इस बुक को ऐसे ऐसे पढ़ लेना, लेकिन अब उस पर डिटेल से कुछ बताया जाएगा वो कैसे होगा, जहां पर ये मिल रहा है आप वहीं पर कनेक्ट होइएगा, क्योंकि आपको सिंपल सी बात है, जब स्कूलिंग अच्छी नहीं है, जिनकी भी मैं बात कर रहा हूं, जिनकी अच्छी उनकी कुछ नहीं, जिनकी स्कूलिंग नहीं अच्छी, जिनका कॉलेज बहुत अच्छा नहीं गया है, 5 क्वेश्चन रख करके बीए में किया गया है, बीएससी वगैरह वैसे ही होता है, बीटेक कॉमन इंस्टीट्यूट से करते हैं, वो भी लगभग हमने खुद पढ़ा, आपने पढ़ा, आउटडेटेड सिलेबस होता है, पढ़ा कि नहीं पढ़ा, आउटडेटेड सिलेबस होता है, हमारी जो भी बीटेक वगैरह के कॉलेज हैं जो बहुत अच्छे नहीं, हमने यहीं पर हिंदू में रिपोर्ट आपको पढ़ाई है, तो वो सभी बच्चों की बात कर रहा हूं, तो ऐसे में आपको क्या करना है, आपको लगेगा क्या बस मैं तो खुद ही करूंगा, लेकिन आपको कनेक्ट रहना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा, क्योंकि वो क्या होता है, जैसे बचपन में पिता का हाथ पकड़ करके आप चलते, माँ का हाथ क्या होता है, ठीक है, आपको भी विश्वास रहता है, माता पिता को विश्वास रहता है कि ये सही रास्ते पर चल रहा है, तो गुरु का वही आपकी लाइफ में भूमिका होती, करना सब आपको, तीन अर्जुन ही चलाएंगे, द्रोणाचार्य नहीं चलाएंगे, लेकिन द्रोणाचार्य वो जब भी अर्जुन हल्का सा डेविएट होंगे, विचलित होंगे, वो वहां खड़े हो जाएंगे, ठीक है, और गुरु है तो कंटिन्यूटी मेंटेन रहती है, पूछिए एकलव्य के उदाहरण से, सोचिए कि आखिर उनको अपने गुरु की मूर्ति लगाने की जरूरत क्यों पड़ी, जब वो इतने योग्य थे द्रोणाचार्य की मूर्ति क्यों लगाते हैं, बिकॉज की गुरु की मूर्ति से मोटिवेशन मिला उनको, कि चलो मेरे सामने प्रत्यक्ष नहीं है बट यह प्रत्यक्ष तो है, तो मेरे प्यारे बच्चों ऑनलाइन एजुकेशन में जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, क्या आप अपने आपको एकलव्य से 100% रिलेट कर सकते हैं, चलिए भाई ऑनलाइन एजुकेशन में मैं अर्जुन से नहीं कर चुकी, अर्जुन ऑफलाइन वाले, ध्यान से समझिएगा, अर्जुन ऑफलाइन वाले, क्योंकि वो सीधे कनेक्टेड है अपने अपने द्रोणाचार्य के साथ, लेकिन ऑनलाइन वाले एकलव्य है कि नहीं, एकलव्य अर्जुन से ज्यादा ताकतवर धनुर्धर बना, यानी और भी पेस और बेहतर, समझ गए कि नहीं, गुरु को लग गया था कि अर्जुन को आगे नहीं बढ़ने देगा, उन्होंने कहा इसका ले ही लो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, मान लिया, समझ गए होंगे आप, तो इसलिए हमेशा याद रखेगा कि आपको इस निराशा, मुझे पता कुछ बच्चे होंगे जो मेंस के रिजल्ट से थोड़ा सा उदास हुए होंगे कि नहीं हुआ, कोई बात नहीं, आप हाथ मत छोड़िए, कुछ भी हो जाए, तमाम नाराज भी हो अपने सर गुरु जो जहां भी है, बट आपको पकड़े रहना, आपको चलते रहना है, सफलता उसमें है, बनस्पति नाराज होकर कोई और रास्ता नहीं, आप सोचिए आपने एक रास्ता 2 साल अपनाया, आप उस पर अच्छा काम कर ले गए, अब फिर रास्ता बदल किसी और रास्ते पर आप चलेंगे, तो आपको क्या उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, इसलिए बने बने रास्ते पर ही प्रयास करें, ज्यादा बेहतर होगा, ठीक है, आई होप आपको समझ गए जो मैं कहना चाह रहा हूं, ठीक है।
बाकी आप सब समझ रहे हैं कि साल की उम्र में मेरे ऑफिस की उम्र का अंतर बाकी ज्ञान मान सब बराबर है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर वैश्विक साझेदारी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज करेक्ट? अब इसको आप पढ़ लीजिए, ठीक है ना? आगे हम लोग इसका आंसर कर लेंगे, मजेदार है। ये टॉपिक बच्चे यहीं पर खत्म हो जाता है, इसमें कुछ भी नहीं, बाकी आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना? बट एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट है जो मैं यहां सिखाना चाहता हूं, और यही चीज आपको सीखनी। मैं आपसे आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, मुझे हिंदू में थोड़ा और टाइम आप लोग दो, यानी अगर ये लेक्चर 2 से 2.5 घंटे भी हो जाए। एक्चुअली जब आप यूट्यूब पे होते हो बेटा, कहीं काम करते हो, बड़ा प्रेशर आपके ऊपर होता है, व्यूज भी चाहिए, सब्सक्राइबर भी चाहिए, और मैं तो ना व्यूज मांगता हूं ना सब्सक्राइबर मांगता हूं, बच्चे देते भी नहीं है, तो कहने का ना लाइक मिलता है अदरवाइज, क्योंकि इतनी संभावना है आपको पढ़ाने के लिए ना, कि ये हिंदू और बिजनेस लाइन इंडिया अखबार नहीं, कोटा नहीं, सुबह करके रिपोर्ट में बता दिया गया। इसके अंदर यूपीएससी की सफलता का मर्म है। क्या है? यूपीएससी की सफलता का मर्म, यानी सारा मंत्र है इसके अंदर। कैसे? मैं किसी एक छोटे से एग्जांपल से आपके सामने सुनाता हूं, यानी मेरे लेक्चर लंबे होने जा रहे हैं, ठीक है ना? क्योंकि इसके बगैर कुछ ना हो पाएगा। अब मैं ऑप्शनल वगैरह सब डाल रहा हूं 2.5 घंटे का लेक्चर, जिसको देखना भैया एक बार कमेंट कर देना, क्योंकि ऑनलाइन में फ्यूचर भी इसके हाथ में है। आज का जमाने भैया कि आपकी क्वालिटी वालिटी बहुत बाद में ही काम करती है। अगर आपके पास मास अपील नहीं है तो आप बेकार ही है, आप चाहे गला फाड़ कर रख दीजिए, चाहे आप कुछ भी पढ़ा दीजिए, कितना भी इनोवेशन सिखा दीजिए, लेकिन अगर आप मास अपील नहीं है तो आप कुछ भी नहीं। चलिए, हम लोग सामान्य लोग हैं, चलते रहेंगे ऐसे। अब इस लाइन को आप पढ़िए बच्चे, ठीक है? इस लाइन को आप पढ़िए जरा, ये जो लिखा हुआ इसको पढ़िए, इसको यूज करिए, कहां यूज होगा, फिर मैं यूज करने जा रहा हूं, फिर मुझे बताइएगा कि क्लासेस क्यों लंबी होनी चाहिए, क्योंकि चलिए लिखा हुआ है कि एआई 2025 तक इंडिया की इकोन८मी में 500 अरब डॉलर यानी 500 बिलियन डॉलर जोड़ेगी, जो हमारी जीडीपी जितना भी हम 2025 में अपेक्षा कर रहे हैं, जितनी भी जीडीपी का टारगेट में 7% 8% होगा, इसका 10% एआई दे रहा है, यानी 100 रुपए की जीडीपी में 10 रुपया एआई से मिलने वाला है 2025 में, सिंपल शब्दों में। क्लियर बच्चे? अब इसको आपने ऐसे पढ़ा, बाउंसर दिया, एक फैक्ट दिया, पढ़ गया अच्छा एआई, तो डायरेक्ट एआई पर क्वेश्चन आया कि एआई की यूटिलिटी, उसकी उपयोगिता, तो आप चिपका देंगे, आप जीत गए, अच्छी बात है। बट ध्यान से समझिए, दूसरी चीज, जैसे एक क्वेश्चन आया था जीएस3 में, आप सोचो इकोनॉमिक्स में, इसमें आया था जीएस3 इकोनॉमिक्स में, क्या प्रश्न पूछा था? यूनिट 1 मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड जीडीपी, दोनों को जोड़ करके यूनिट 1 के सिलेबस में क्या प्रश्न पूछा? आपसे प्रश्न पूछा कि व्हाट इज पोटेंशियल जीडीपी, यानी संभावित सकल घरेलू उत्पाद क्या है, और उसके बाद आपसे पूछा, क्या पूछा कि भैया ये जो संभावित सकल घरेलू उत्पाद, इसको डिटरमाइन करने वाले, इसको निर्धारित करने वाले फैक्टर्स कौन है, यानी फैक्टर्स पूछिए। अब क्या हम लिखेंगे नहीं पोटेंशियल, ये जो कह रहा है 2025 तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंडिया की जीडीपी में इतना बढ़ा देगा, ये संभावित सकल घरेलू उत्पाद की ही बात कर रहा है? आप कहेंगे हां सर, बिल्कुल कर रहा है। संभावित सकल घरेलू उत्पाद जो बच्चे सेंटर में, यानी कि अधिकतम वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किसी भी इकोनॉमी में, ठीक है, एक वर्ष में जब भी उसकी गणना की जाती है, जैसे हम एक फाइनेंशियल कहते हैं, तो अधिकतम यानी मैक्सिमम गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन विदाउट इन्फ्लेशन प्रेशर, यानी मुद्रास्फीति के दबाव के बिना, नियंत्रित मुद्रास्फीति में वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन, इसी को हम बोलते हैं संभावित सकल घरेलू उत्पाद, जिसका डिटरमिनेंट, बहुत से डिटरमिनेंट्स होते हैं, लेकिन एक होता है क्या, टेक्निक, और उस टेक्निक में है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आज के बाद से पोटेंशियल जीडीपी के डिटरमिनेंट्स में आप लिखेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। कहिए मजा आया कि नहीं मजा आया? और फिर एक और आईटीआईपी करते हैं कि आपने सोचा, अब इसी को चलिए लीड कर दिया जाए। 2019 वाले एसएससी आप कहेंगे सर कैसे, जरा दिखाइए भाई, दिखाते हैं, ठीक है, ठीक है, क्या दिखाते हैं, क्या पूछा भाई, जरा एक बार निगाह मारिए मेरे बच्चे, राइट नाउ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या कह रहा है कि भैया फ्यूचर में जॉबलेस सिस्टम क्रिएट करेगा या बिगर जॉब अपॉर्चुनिटी देगा? तो आप कहेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 2025 तक इंडिया की जीडीपी में 10% का योगदान देगा। तो ये 10% का योगदान देगा, तो इसका मतलब है, ये दिखाता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में क्या है, रोजगार सृजन का अवसर है, क्योंकि जब भी जीडीपी बढ़ती है, इसका मतलब जीडीपी कैसे बढ़ती है, तो जीडीपी कैसे बढ़ती है, आप क्या पढ़ते हैं, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मेरे प्यारे बच्चों, क्या पढ़ते हैं, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मेरे प्यारे बच्चों, यानी उत्पादन के कारण पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते, तो हमारी जीडीपी तो इसी से बनती है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से, लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्राइज, ये चार चीज होता है, भूमि श्रम पूंजी और उद्यमशीलता, उद्यमशीलता कुछ भी आप कह सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो ये जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्क करेगा, तो कहां, लैंड पर, लेबर पर, कैपिटल पर, इन सब पर वर्क करेगा ना, और इन्हीं सबसे हमारी जो भी वस्तुएं सेवा बनती है, गुड्स एंड सर्विसेज, वो सब इसी से बनती है मेरे प्यारे बच्चों। और ये अपने आप काम करते नहीं, लेबर लिखा हुआ है लेबर, तो ये जो लेबर होता है यही तो रोजगार में भागीदारी करता है। तो इस चार्ट से, इस डायग्राम से आपको पता लग गया कि अगर जीडीपी बढ़ेगी तो रोजगार भी बढ़ेगा। हाँ, उसके साथ आपको बताना, क्योंकि ये बहुत स्किल की मांग करता है, इसलिए हमें अपनी वर्कफोर्स को, यानी हमारे डेमोग्राफिक डिविडेंड को, यानी हमारे जनसांख्यिकीय लाभांश को क्या करने की आवश्यकता है, हमें उसे ज्यादा अप स्किल, स्किल और रीस्किल करने की आवश्यकता है। अगर हम ऐसा कर पाए तो 2014 का क्वेश्चन भी यही सवाल हो जाएगा, जिसमें पूछा था 2014 में जीएस पेपर 2 या 3 में पूछा था, क्या पूछा था, यद्यपि हम जनसांख्यिकीय लाभांश को शान से प्रदर्शित करते हैं, यानी डेमोग्राफिक डिविडेंड पर प्राउड फील करते हैं, उसी समय काल में हम एम्प्लॉयबिलिटी, रोजगार योग्यता की जो दर है उसे नजरअंदाज कर देते हैं, बड़ी कमजोर है, यानी हिंदुस्तान में वर्किंग पॉपुलेशन तो है, इस वर्किंग पॉपुलेशन यानी एक जनसंख्या में, जैसे हमारी जनसंख्या जितनी भी है, उसमें जो काम करने के लिए तैयार है या काम कर रहे हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, वर्किंग पॉपुलेशन। हमारे पास वर्किंग पॉपुलेशन है, लेकिन वो मार्केट में जो रोजगार उसको पाने के लिए अवेलेबल नहीं है, तो बस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में संभावना है, आवश्यकता है, हम लोगों को रिस्किल करें, आप स्किल करें, और जैसे ही आप लिखेंगे इस निबंध का एक अच्छा खासा पैराग्राफ मेरे प्यारे बच्चों, जरा बताएं इस टॉपिक से तैयार हो गया कि नहीं हो गया, इस टॉपिक से एक अच्छा खासा पैरा तैयार हुआ कि नहीं हुआ, आप विचार कर सकते हैं। इस हिसाब से मैंने कहा थोड़ा सा टाइम इसमें बढ़ूंगा, क्योंकि मतलब मेहनत करनी, बस चाहे जैसे बढ़े ना बढ़े, सिलेक्शन यही होगा, मैंने जो भी बच्चों से बात किया, जो बच्चे फेल हुए, पास हुए, तो ये बहुत बड़ी चीज है, रोज हम लोग को एनालिसिस करना पड़ेगा, बस बच्चे बाकी आप इसमें पहले टॉपिक हो गया, इसमें कुछ भी नहीं है, पढ़ेगा, ठीक है, अब जब मीटिंग होगी उसके बारे में बातचीत करेंगे। पीएम मोदी साहब कहते हैं, बड़ी अच्छी लाइन है, पीएम मोदी विश्वास करो यार, ये मतलब अमेजिंग है, क्या लोग कहते हैं टीम अच्छी हो यार, टीम कभी अच्छी होती, लीडर अच्छा होता, इनकी हर स्पीच का हर वर्ड मेंस मिल सकते हैं, कितने बच्चे बात सही करते हैं, देखिए आप उन्हें पसंद करें, नापसंद करें, आपकी अपनी चॉइस है, और इसका सम्मान सबको करना चाहिए, जो कि फंडामेंटल राइट है आपका, आपकी व्यक्त किया जाती है, ठीक है, बट आप इनको इग्नोर नहीं कर सकते, इस मामले में इनकी कोई भी स्पीच आप सुनो मेंस कैंसर का पॉइंट होता है, देखिए क्या लिखा हूं, यानी लिखे भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को आकार देने की शक्ति है, क्योंकि हमारे पास युवा आबादी है, इसके अलावा स्टार्टअप इकोसिस्टम हमारा बहुत अच्छा है, सरकार स्टार्टअप को बहुत सहयोग करती है, स्टार्टअप इकोसिस्टम यानी हमारे पास टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी को जानने वाली युवा आबादी है, इसके लिए वर्कफोर्स में प्यार बच्चों इसको रख लीजिएगा, ठीक है, ये बहुत अच्छा है कि एआई, ऐसा कोई भी प्रश्न पूछे,
कि एआई में भारत की क्या भूमिका हो सकती है, एआई को भारत कैसे आकार दे सकते हैं, तीनों पॉइंट बहुत वैलिड पॉइंट इनको रख लीजिए, ठीक है। देख सकते हैं अभी इन्होंने ट्वीट किया है, अब ट्वीट को आप देखिएगा क्या लिखा हुआ है। हम एक ऐसे इंटरेस्टिंग टाइम, देखो हम लोग को भी सीखना चाहिए, टाइम नहीं लिख रहे हैं, ऐसे टाइम में जी रहे हैं, इंटरेस्टिंग टाइम यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक इंटरेस्ट वाला टाइम, ठीक है ना, एंड मेकिंग इट इवन मोर इंटरेस्टिंग इज एआई, यानी हम एक ऐसे समय में दे रहे हैं जो बड़ा मनोरंजन, बड़ा ही रुचिकर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसे और रुचिकर बना रहा है, जिसका इंपैक्ट अभी लाइन आपको फू बहू यानी इनका नाम काट दीजिए, इनका नाम यूज कर सकते हैं आपके पीएम है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की इंपॉर्टेंस पर क्या ये सारे के सारे पॉइंट आप लिख सकते हैं कि नहीं, मैं पढ़ने जा रहा हूं कैसे, ठीक है, जैसे इसका पॉजिटिव इंपैक्ट ना होगा ऑन टेक्नोलॉजी में, ये बोले इनोवेशन में, हेल्थ केयर में, एजुकेशन में, एग्रीकल्चर एंड मोर, ये आप लिख सकते हैं कि नहीं, फ्लो चार्ट बना सकते हैं, आप लिख सकते हैं, ठीक है। फिर कहते हैं कि इसमें संभावना है, लेकिन भारत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर के कैसे देखता है, यानी वो क्या देख रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर के, तो देख रहा भैया पहला कि हम इसको बहुत अच्छे ढंग से यानी एआई ऐसे ऐसे सोल्यूशन लाए, ऐसे ऐसे समाधान लाए जो लोगों के जीवन में बदलाव आए, बट बदलाव लाने के साथ किसी की प्राइवेसी या डेटा के साथ खेलना, सिक्योर हो, सुरक्षित हो, किसी का पैसा नहीं दबा कर दे, सस्ता हो, लोग खरीद सके, सस्टेनेबल हो यानी टिकाऊ हो, ठीक है, और कैसा हो जैसा कि मैंने खुद ने पहले आपको बताया, जैसे हमारा डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर यानी आधार, जैसे जनधन आधार, मोबाइल जैम वगैरह, वो सारी चीज, ठीक है, आप देख सकते हैं एग्जाम यूज कर सकते हैं, बस भारत का ज्यादा एआई सशक्तिकरण पर ध्यान केंद्रित करने का, ये सारी बातें मैंने आपको बता दी, इस क्वेश्चन का आंसर आपके सामने आ गया मेरे पहले, तो देख सकते हैं।